Welcome friends to my channel. Women's support. नॉर्मल डिलीवरी करने के उपाय, टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी। आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी होना एक लत के समान माना जाने लगा है, जिससे हर महिला नॉर्मल डिलीवरी करने के उपाय के बारे में जानना चाहती है। हर महिला की इच्छा होती है कि उसको नन्हा सा सुंदर और तंदुरुस्त बच्चा हो, वह भी नॉर्मल डिलीवरी से। मगर दोस्तों, एक माँ ही बच्चे के जन्म का दर्द समझ सकती है कि बच्चा पैदा करने के लिए कितने दर्द से गुजरना पड़ता है। महिलाओं को अपने डिलीवरी होने से पहले हर एक चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। बिना किसी कष्ट के नॉर्मल डिलीवरी हो, यह हर गर्भवती महिला की चाहत होती है। लेकिन कमजोर शरीर, बुरी आदतें व प्रेगनेंसी के साथ जुड़े कॉम्प्लिकेशन ऐसा होने नहीं देते। लेकिन कई बार न चाहते हुए कुछ महिलाओं को सीजीरियन सेक्शन सर्जरी के जरिए से गुजरना पड़ता है। वैसे ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है जिससे यह पता किया जा सके कि बच्चे की डिलीवरी सीजीरियन हो या नॉर्मल। मगर फिर भी कुछ कारणों के कारण प्रेगनेंसी करते समय डिलीवरी नॉर्मल के बजाय सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। हालांकि नीचे दिए गए इन बातों का ध्यान यदि आप देते हैं तो बहुत संभव है कि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल रहेगी। आज हम आपको डिलीवरी कैसे होती है की जानकारी देंगे, जिसमें आप प्रेग्नेंट होने पर नॉर्मल डिलीवरी करने के उपाय जानकर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा कर सकती हो। डिलीवरी कैसे होती है, हाउ डिलीवरी अकर्स। दोस्तों, आमतौर प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी में दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, वो है नॉर्मल डिलीवरी वजाइनल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी। दोनों ही डिलीवरी अपनी जगह सही है, परंतु जहां नॉर्मल डिलीवरी होने पर मां जल्दी स्वस्थ हो जाती है, वहीं सिजेरियन से डिलीवरी होने पर मां को रिकवर होने में थोड़ा अधिक समय लगता है। नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी में अंतर, डिफरेंसेज इन नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी में बच्चे का जन्म प्राकृतिक तरीके से होता है, लेकिन इसमें मां को अधिक दर्द, जिसे लेवर पेन कहता होता है, परंतु नॉर्मल डिलीवरी में मां जल्दी ही स्वस्थ हो जाता है और दूसरी बार प्रेग्नेंट होने में भी कोई परेशानी नहीं होती। जबकि वही सिजेरियन डिलीवरी में मां को कम लेवर पेन होता है, क्योंकि सिजेरियन में मां के पेट के नीचे कट लगा के ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को मां के पेट से बाहर निकल लिया जाता है। इसे ही सिजेरियन डिलीवरी कहते हैं। इस डिलीवरी में मां को कुछ दिनों तक कुछ खास सावधानियां रखनी पड़ती है। इस लेख में आप जानेगी नॉर्मल डिलीवरी करने के उपाय के बारे में, जो आपको नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, प्रेगनेंसी टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी। बच्चे का जन्म नॉर्मल हो, यह महिला को पहले से प्लान कर लेना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी में खाने एवं पीने के लिए अनुमति होती है, इसमें महिला को अधिक लेबर पेन होता है। वहीं जब महिला को ऑपरेशन करके डिलीवरी कराई जाती है तो सब कुछ मना कर दिया जाता है, जैसे खाना पीना आदि। महिला को यह ध्यान देना चाहिए कि लेबर पेन के वक्त उसको कैसा फील हो रहा है, जिससे उसे किस रूम में ले और उसकी उस समय की कंडीशन क्या है, और डॉक्टर की टीम को इसका ख्याल होना चाहिए कि आपको ऑपरेशन से डिलीवरी या नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, ताकि आपको उस रूम में ले जाया जा सके। महिला को नॉर्मल डिलीवरी के बाद बच्चे का गर्भनाल काटने के बाद बच्चे को मां के सीने से लगाकर हीट देने के लिए दे दिया जाता है। इसके बाद बच्चे को सारे और काम किया जाना शुरू कर दिया जाता है, जैसे बच्चे को क्या क्या देना चाहिए, फीडिंग से लेकर सुलाने तक सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। नॉर्मल डिलीवरी के लक्षण, सिम्टम्स ऑफ नॉर्मल डिलीवरी इन 9th मंथ। डिलीवरी के समय महिला के मन में हर समय यही बात चलती रहती है कि उसका बच्चा किसे होगा, डिलीवरी नॉर्मल हो सकेगी या नहीं। ऐसे कोई भी पर्याप्त लक्षण नहीं है जिससे आपको बातें जा सके कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, पर अगर आप शुरुआत से ही अपने किसी डॉक्टर के संपर्क में हैं तो वो माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को देखकर बता सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के कितने चांस है। नॉर्मल डिलीवरी के समय महिला को रीढ़ की हड्डियों में बेहद दर्द शुरू होता है, इसके लिए महिला को चलने के लिए कहा जाता है। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त महिला को वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगता है। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त माहवारी के दर्द जैसा अनुभव होता है। डिलीवरी के समय पेट में ऐंठन महसूस करना, कमर के नीचे दबाव से महसूस करना। नॉर्मल डिलीवरी के वक्त योनि और एनस के बीच के परत खुल जाती है, जिससे बच्चा आसानी से बाहर आने लगता है। ऐसी अवस्था को नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। नॉर्मल डिलीवरी करने के उपाय, टिप्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर डिलीवरी होने के समय पर आपको प्राकृतिक प्रसव मतलब नॉर्मल डिलीवरी चाहिए तो आपको कुछ बातों को फॉलो करना होगा, जिससे आप सिजेरियन डिलीवरी में होने वाले दर्द से और बाद में होने वाले खतरों से बच सकते हो। 1. अगर चाहती हैं नॉर्मल तो डॉक्टर से लेते रहें सलाह, कीप टेकिंग एडवाइस फ्रॉम डॉक्टर। नॉर्मल डिलीवरी के लिए नियमित रूप से डॉक्टर से सलाह लेते रहें। ऐसे समय में डॉक्टर न केवल आपका मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि डिलीवरी संबंधित जितने भी डर हैं उनको दूर करते हैं। डिलीवरी संबंधित यदि आपके दिल में कोई बात है तो उसे बताएं। बात को अंदर दबाने से केवल गुस्सा बढ़ता है, जिसके कारण तनाव बढ़ता है।
इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे। इस दौरान आप दोस्तों, रिश्तेदारों तथा अपने पड़ोसियों से भी बातें कर सकते हैं। हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही कोई भी चीज़ का सेवन करें। 2. सैर सपाटा दिलाएगा नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी टिप्स। प्रेगनेंसी में महिला को पैदल टहलना सबसे बढ़िया तरीका है। नॉर्मल डिलीवरी के लिए दिन में कुछ समय सैर सपाटे के लिए निकालें। इससे आप न केवल खुद को रिलैक्स महसूस करेंगे बल्कि ताजी हवा आपके और आपके बच्चे के लिए सुकून का काम करेगी। आप चाहे तो सुबह या शाम कुछ समय अपने घर के आसपास पार्क में टहल सकती हैं। 3. नियमित रूप से व्यायाम करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए। एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर नॉर्मल डिलीवरी। ज्यादातर देखा गया है कि गर्भावस्था में महिलाओं को आराम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन आराम के साथ साथ यह जरूरी है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या कर रही हैं। दरअसल प्रेगनेंसी मांसपेशियों का स्वस्थ और मजबूत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे प्रसव के दौरान पीड़ा से लड़ने में मदद मिलती है। ध्यान रखें कि व्यायाम करते समय ज्यादा भारी चीजों को न उठाए और किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर ले लें। सेहतमंद नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक्सरसाइज और योगा करने से दर्द कम होता है। अगर आप गलत तरीके से कोई व्यायाम कर रही हैं तो यह आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकता है और नॉर्मल डिलीवरी में भी बाधक हो सकता है। 4. पर्याप्त नींद लेना है जरूरी। इट इज नेसेसरी टू हैव इनफ स्लीप फॉर नॉर्मल डिलीवरी। पर्याप्त अबाधित और अच्छी नींद नॉर्मल डिलीवरी में कई तरह की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा सोने से 2 घंटे पहले चाय या कॉफी का सेवन मत कीजिए। 5. अगर चाहती हैं नॉर्मल डिलीवरी तो तनाव से दूरी बनाए। मेक द डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेस। तनाव लेना एवं डिप्रेशन में जाना किसी भी अच्छे काम में रुकावट बन सकता है। यही बात आपके गर्भावस्था में भी लागू होती है। तनाव गर्भावस्था में कॉम्प्लिकेशन को भी बढ़ाता है। इसका सबसे अधिक प्रभाव आपके व आपके बच्चे की सेहत पर पड़ेगा। यह एक ऐसा दौर होता है जब आपको शांत और संतुलित रहने की जरूरत है। इसके लिए टीवी पर अच्छा प्रोग्राम देख सकती हैं या फिर कोई अच्छी बुक पढ़ सकती हैं। इसके अलावा आप नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान न दें। 6. ध्यान और सांस लेने वाले प्राणायाम। मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग प्राणायाम। प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी हो इसके लिए आप सांस लेने वाले प्राणायाम कर सकती हैं। इसका फायदा यह होता है कि उचित और पर्याप्त ऑक्सीजन बेबी को मिलती रहती है, जिससे बच्चे का सही तरह से विकास भी होता है। इसलिए नियमित रूप से ध्यान और सांस लेने वाले प्राणायाम कीजिए। 7. प्रेगनेंसी के दौरान न हो पानी की शरीर में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नेवर गेट डिफिशियंट ऑफ वाटर इन द बॉडी। गर्भावस्था के दौरान यह ध्यान रखिए कि शरीर में पानी की कमी न हो। पानी केवल आपको हाइड्रेटेड ही नहीं रखता बल्कि नॉर्मल डिलीवरी पाने में आपकी सहायता भी करता है। गर्भवती महिला को हर दिन रोजाना 8 सेकंड 10 गिलास पानी पीना सेहतमंद होता है और पानी की कमी दूर होती है। 8. प्रेगनेंसी में खान पान का विशेष ध्यान रखें। टेक केयर ऑफ योर डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में आप क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं यह भी आपके नॉर्मल डिलीवरी योगदान देते हैं। ऐसी अवस्था में आप सही समय पर सही आहार खाएं। प्रेगनेंसी में आयरन और कैल्शियम की कमी नहीं होनी देनी चाहिए, इसके लिए हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अपने आहार में जूस, अंडा और फल आदि को शामिल करें। इससे आपको और आपके पेट में पल रहे बच्चे को प्रोटीन और विटामिन मिलते रहेंगे। आप अपने डॉक्टर की सलाह से डाइट ले सकती है।